कवर्धा जिले के बहपानी गांव के पास सोमवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 18 महिला समेत 19 लोगों की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे से हर कोई स्तब्ध है। वहीं मंगलवार की सुबह सेमराहा गांव में एक साथ 19 मजदूरों की अर्थी निकली। ये मंजर देख पूरा गांव सन्न रह गया। ग्रामीणों ने नम आंखों से मृतकों को अंतिम विदाई दी। मृतकों के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी सेमराहा गांव पहुंचे थे। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कवर्धा के बहपानी गांव के पास भीषण सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुए सेमहरा गांव के भाई बहनों को अंतिम संस्कार बेहद गमगीन माहौल में दिया गया और उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होकर मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परिजनों को संबल प्रदान करे। एक यहाँ पर दलपी नामक गांव है वहाँ के, एक यहाँ पर सिंघारी नामक गांव है वहाँ के, और 17 लोग सिमरहा इसी गांव के लोग। तो बड़ा संकल्प है, बहुत बहुत संकल्प है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इस विषय पर संवेदना व्यक्त की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस विषय पर संवेदना व्यक्त की। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इस विषय पर संवेदना व्यक्त की। माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी संवेदना व्यक्त की है। और सब कुछ सारा समाज यहाँ एकत्रित है। यहाँ पर अग्नू जी मुर्मू जी जो समाज के प्रमुख हैं, हमारे वो भी हैं। यहाँ पर विदेश राम जी सुबह वो भी हैं। यहाँ पर काशी राम दुबे जी वो भी हैं। और हमारे श्री राम जी हैं, समाज के भी हैं और गाँव के हैं। श्यामू जी हैं जो गाँव के सरपंच हैं, सब लोग कल से लगे हुए हैं। साथ ही साथ कैलाश चंद्रवंशी जी हैं, राम कुमार भट्ट जी हैं, लोग हैं, पूरा प्रशासन लगा है। कमिश्नर थे, आईजी थे, कलेक्टर थे, एसपी थे, डीएफओ थे, सब भी साथ साथ घर घर घूमे। सबने व्यवस्थाओं की चिंता की है, संवेदना व्यक्त की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नहीं रहे उनके परिवार को 5,00,000 रुपये देने की बात, और जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपये देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। अब उसकी चिंता एक बार बातचीत की जाएगी, क्या संभव है, क्या नहीं है, क्या चिंता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यह भी इसमें तुरंत कुछ कह पाना। हाँ, मतलब जांच तो जरूर मैंने कहा है, तुरंत ही कहा है जांच करके, और अगर गलत हुआ है तो दंडात्मक कार्रवाई।